भक्त हमें भगवान की भक्ति दे सकता है। श्री रंगम में एक दिन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल के जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। रास्ता में उन्होंने देखा कि एक आदमी धनुर्दास के नाम से अपनी पत्नी के सिर पे छतरी लेके चल रहा था और बहुत ही अजीब तरह से चल रहा था। अगर छतरी लेके चल भी रहा है तो पीछे चल सकता था, लेकिन वो आगे आगे चल रहा था, वो भी उल्टा करके इस तरह से चल रहा था कि वो अपनी पत्नी का मुंह देख सके, और छतरी को ऐसे लेके चल रहा था। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि इतना अजीब तरह से क्यों चल रहा है। तो उनके शिष्यों ने जाके उसको पूछा कि भैया तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, सीधे चलो ना जैसे सब लोग चलते हैं। तो उसने बहुत सुंदर बात बोली। धनुर्दास ने बोला कि मुझे मेरी पत्नी पे बहुत ज़्यादा आसक्ति है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और सबसे ज़्यादा सुंदर है उसकी आँखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए भी उसकी आँखें देखे बिना मैं नहीं रह सकता। तो मैं पीछे अगर चलूँगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, तो सामने चलते चलते तो मैं उसको देख पाऊँगा। तो सारे सोचा ये तो गया काम से, पागल है। जाके बोला गुरुजी वो पागल है, वो उसका छोड़िए बात। नहीं नहीं वो क्या बोला, बोला ऐसे बोल रहा है उसके पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो रामानुजाचार्य ने बोला उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। तो किस लिए बुलाए गुरुजी, वो बेकार का इतना भौतिक विषयों में जो निमग्न है ऐसे नहीं, तुम उसको बुलाओ एक बार। उसको लेके आए। फिर रामानुजाचार्य ने उसे पूछा भैया तुम्हारी पत्नी पे इतना आसक्ति क्यों कर रहे हो। बोला आपको पता नहीं, बहुत सुंदर उसकी आँखें तो इतनी सुंदर है। रामानुजाचार्य ने बोला इससे भी बहुत लोग हैं जिसकी आँखें और भी सुंदर है। किसने बोला मैं नहीं मानता। बोला ठीक है तुम नहीं मानते तो आओ कल सुबह, मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसकी आँखें तुम्हारी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा 1000 गुना सुंदर है। उसने बोला अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी पत्नी की आँखों से भी सुंदर किसी की आँख है तो मैं उसका दास बन जाऊँगा जीवन भर। रामानुजाचार्य बोले ठीक है कल सुबह जल्दी आ जाना। अब ये रात भर सोच रहा है इतनी जल्दी सुबह किसके पास ले जाएंगे, और कोई कितना भी सुंदर हो सुबह तो कोई सुंदर नहीं लगता, कौन होगा इतना सुबह भी सुंदर लगता होगा। सुबह सुबह पूरा रात सो नहीं पाया। तो सुबह गया रामानुजाचार्य के पास, चलिए चलिए जल्दी चलिए कहाँ दिखाएंगे मुझे। रामानुजाचार्य बोले चलो चलते हैं। कहाँ लेके गए, रंगनाथ जी के मंदिर में लेके गए। और फिर रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको गर्भगृह के अंदर लेके गए और उसको रंगनाथ जी को दिखाया। बोला देखो ये रंगनाथ जी की आंखें देखो। अब जैसे उसने रंगनाथ जी की आंखें देखी, उसकी आंखों में से पानी एकदम रोने लगा बच्चे जैसा। बोला इतना सुंदर भी क्या कोई हो सकता है, मैं अब जीवन भर से रंगनाथ जी का दास बनूंगा।